आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अब काम की बात इसके अंदर ये है। अब क्या हो गया है यार, तो अब काम की बात यह है कि अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर, आर मिक्सचर को। हाउ डू यू कैलकुलेट आर मिक्स? हाँ कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ, मूवी कहाँ गई? मूवी का वीडियो गायब हो गया। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर अभी, आर मैक्स को? देखो, आर्मिक्स को कैलकुलेट करने के लिए ना, बेसिकली ये वाला मैं बता देता हूँ, फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद अटेम्प्ट करना। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर आपको, नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं है, रुको कर देता हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया है, बेसिकली या तो कुछ बात चल रहा है या एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर क्यों नहीं है यार? अरे यार, ये कॉल एक्चुअली मैंने नहीं किया हुआ है ना, रुको मैं कॉल करता हूँ। दोनों कॉल डिस्कनेक्ट करो, मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी ठीक है? हाँ देखो, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली मैं ये वाला मैं सॉल्व करके दे देता हूँ आप लोगों को, बाकी के जितने भी हैं वो फिर आप लोग एक बार सॉल्व करना। जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर को अब आपको बेसिकली इसके अंदर एनालाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब मिक्सचर का एनालिसिस कैसे करोगे? देखो, कौन कौन सी चीजें हैं, बोलते जाओ। मिक्सचर बोलो कितना है, हीलियम है, ओ टू है, और क्या है? N2 30% है, परसेंटेज बोलो। 30, 20, 15 अगर मैं ये लिखता हूं, देखो, आर हीलियम अपॉन आर ओ टू, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, एन डैश हीलियम अपॉन एन डैश ओ टू। Am I right? मैं इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहा हूं मिक्सचर का, इसमें ये हमेशा करना पड़ेगा आपको। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32/4 मल्टीप्लाइड बाई वही n1/n2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 30/20। डू यू एग्री? कोई तकलीफ? परफेक्ट है, गुड। इसी तरीके, तो इसका मतलब जैसे मैंने ये लिखा, इस तरीके से मुझे दो दो गैसेस का पेयर लेकर के तीनों के रेशियोज मिल जाएंगे। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इधर आ जाओ, ये वाला जो पार्ट है ना,
बस समझ में आ गया होगा वैसे तुम लोगों को, मैं तो जस्ट लास्ट में एक बार एक्सप्रेशन को कंसोलिडेट ऑल कर देता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है इसको तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि ये जैसे एन डैश ही लिया मैं, इसको यहां से हटा दो तो पूरे को अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो सिग्मा एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो सबका समीशन था तो वो आ जाएगा एक्चुअली 1 प्लस एन डैश ओ टू बाई एन डैश एच ई और प्लस एन डैश एन टू बाई एन डैश हीलियम, राइट। यहाँ पे भी यही डिवाइडेड बाई एन डैश हीलियम कर दो और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई एन डैश हीलियम कर दो, हो गया ना। तो ये रेशियो तो कैलकुलेट कर सकते हो ना अब आप, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही करना था। समझ में आई बात, अब इससे कैलकुलेट करोगे और जो पुराना वाला है उससे कैलकुलेट करोगे, ज्यादा डिफरेंस दिया था लेकिन डिफरेंस आता है अप्रोक्सीमेशन का, तो वो मतलब ऑप्शंस में देख लो, अगर बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं तो इस मेथड से सॉल्व करना जरूरी हो जाएगा। और सर ये जो जैसे एफ यूज आउट होता जाएगा ये तो प्रेशर जो हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं आर्म एक्स अपॉन आर्म जो भी प्रेशर आता है वो हाँ तो मतलब अक्रॉस द बाउंड्री प्रेशर डिफरेंस होता है ना उस गैस का वो क्या होता है, जो भी कंटेनर से एफ यूज आउट हो रहा है उसके अंदर जो गैस का प्रेशर है माइनस आउटसाइड प्रेशर हाँ तो वो प्रेशर भी तो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। वो प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो वो तो ओरिजिनल प्रेशर लेते हो ना आप, P1 बाई P2 इज ओरिजिनल प्रेशर, T इज इक्वल टू T पे कंटेनर ए में, ठीक है। अच्छा तो टी इक्वल्स टी पर तो एम एक्स भी ओरिजिनल एम वाला ही होगा ना। एम एक्स ओरिजिनल एम वाला होगा, मतलब ये बात नहीं समझ में आई मुझे थोड़ी सी आपकी। आप बोल रहे हो कि टी इक्वल्स टी पर फ्यूजन बिल्कुल स्टार्ट होगा हाँ तो मतलब बिल्कुल उस टाइम पर तो कॉम्पोजिशन मिक्सचर का वही होगा ना जो क्वेश्चन में दिया है। हाँ तो हम इतना एक निकाल रहे हैं जो एन डैश वगैरह करके ये तो एट अ लेटर स्टेज ऑफ एफ्यूजन होगा ना जब थोड़ा एफ्यूज आउट हो चुका है मतलब एन डैश एच ई की कुछ वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। अरे यार तुम्हारे पास दो मिक्सचर्स हैं, यू डोंट हैव वन मिक्सचर, कौन से दो मिक्सचर्स हैं, एक एफ्यूजन से पहले वाला और एक जो एफ्यूज आउट होकर के कंटेनर बी में आ गया है, आपके पास दो अलग अलग कंटेनर हैं, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, राइट। तो दो मिक्सचर्स की अलग अलग बात करो ना, एन डैश तो होता ही कंटेनर बी वाला है। हाँ तो फिर एन डैश में अगर गैस आ गई है तो फिर उसमें प्रेशर भी बढ़ जाएगा गैसेस का। तो एन डैश में कंटेनर बी के प्रेशर से तुम्हें क्या लेना देना है, कंटेनर बी का प्रेशर कहाँ पे काउंट हो रहा है। वो R1 अपॉन R2 इक्वल रूट हाँ ऑफ M2 अपॉन M1 इनटू P1 अपॉन P2। तो P1 अपॉन P2 तो ओरिजिनल प्रेशर होता है जिस इंस्टेंट पे बेसिकली फ्यूजन हुआ है, वो हम एट दैट इंस्टेंट नहीं लेते वो ओरिजिनल ही लेते हैं। हाँ मतलब जहां जिस टाइम पे फ्यूजन हो रहा था एफ्यूज्ड आउट मोल्स और जिस टाइम पे फ्यूजन हो रहा है वो वाला प्रेशर, इनफैक्ट वो प्रेशर भी P1 बाई P2 नहीं होता है, वो तो इस तरीके से होता है बेसिकली, ये थोड़ा राइट स्क्रॉल कर देता हूँ, वो तो ऐसे होता है। वो तो ये होता है कि जैसे मान लो सपोज अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे रुको मुझे सोचने दो, जैसे मान लो मिक्सचर की अगर आप बात कर रहे हो ना, ए प्लस बी दो गैसेस का मिक्सचर है, राइट। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी इसके अंदर, एक मिनट मुझे सोचने दो एक चीज, कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मान लो कि आर ए अपॉन आर बी। हाँ तो अब जैसे दो गैसेस का इसमें आप कंपैरिजन करोगे ना, तो एक दूसरी सिचुएशन दे देता हूं मैं आपको, अच्छा
दो गैसेस हैं बेसिकली, गैस ए यहाँ पे है और गैस बी यहाँ पे, अलग अलग ही ले ले मैंने, राइट? कंपैरिजन कर रहे हो आप आर ए बाई आर बी का, राइट? इसमें डायरेक्शन ऑफ एफ्यूजन वही अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एफ्यूजन हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली तो ये होता है कि मान लो अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, और यहाँ पे अगर प्रेशर P3 है और यहाँ पे अगर प्रेशर P4 है, तो जो एक्चुअल एक्सप्रेशन आता है ना, वो अब हो सकता है, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो तो ये होता है आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बी बाई एम ए मल्टीप्लाइड बाई P1 डिफरेंस P2, एक मिनट, ये बी है ना, सॉरी, प्रेशर क्यों लिया है पर रुको रुको देखते जाओ, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब बोलो क्या तकलीफ है। सर अच्छा ये एक मिनट, सॉरी, ये मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो उठा करके ऊपर रख देते हैं उसको। अब ठीक है, हाँ तो यही कह रही थी मैं कि मतलब जैसे जैसे बी में वो फ्यूज होता जाएगा हाँ तो वैसे ही वो मैं, P2 बढ़ना शुरू हो जाएगा 0 अरे पर। तो वो जो तुम कहती, अब तुम ध्यान से देखो ना, उसमें ओरिजिनल फाइनल वाली कोई बात ही नहीं है, एक्चुअली तो प्रेशर डिफरेंस लेते हैं वो, तो हाँ तो तुमने प्रेशर प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा ना, डिफरेंस चेंज होगा, क्यों? क्योंकि ए कंटेनर में डिक्रीज होता जाएगा और बी में बढ़ता जाएगा। अरे एक मिनट रुको, तुम क्या ओवरऑल लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम रेट ऑफ इफ्यूजन लिखती हो क्या? किसी एक इंस्टेंट पे लिखती हो रेट ऑफ इफ्यूजन? और मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन तो हर मोमेंट पे चेंज होती है, रेट ऑफ इफ्यूजन एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है टाइम के साथ में, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करो ना। अच्छा तो ये हम जस्ट आफ्टर इफ्यूजन स्टार्ट्स का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे लिख रहे हो आप, तो आप तो t इज इक्वल टू t पे लिख रहे हो इसको, अच्छा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही तो लोगे उस चीज को, वो तो ऑब्वियसली सब कुछ ही चेंज होता जाएगा टाइम के साथ में, तो टाइम के साथ में तो n डैश भी लगातार चेंज होगा। हाँ हाँ तो एक इंस्टेंट पे लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है? तो बस सारे क्वेश्चंस अब इस हिसाब से दोबारा एक बार सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े ना, फिर आगे बताओ और क्या करना है। तो आप वो दिया आई थी कि भी एक दो चीजें बता रहे थे, आई थी नेगेटिव में कुछ होता है और वो तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो पूरे ही बताना पड़ेगा। फिर पहले गैसेस स्टेट का पूछ लो ना, जो भी पूछना है आप गैसेस स्टेट का पहले आज कंप्लीट कर लो, मतलब फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़े, इसके बाद फिर आयनिक केमिकल गैसेस स्टेट का टेस्ट हो जाए। सर वो फीडियल इक्वेशन एंड ऑल वो सब कहाँ है, मैथमेटिकल कांस्टेंट किधर है, मतलब कुछ भेजो ना मेरे को, DPP राइटअप कुछ तो होगा ना जिसमें मैंने दिया होगा, असाइनमेंट फॉर दो ना मेरे को, भेज दो ना, ईमेल करो मुझे, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क ईमेल मी राइट नाउ।
फटाफट भेजो सर, भेज दिया। मुझे ईमेल नहीं मिला अभी तक। हाँ तो इसमें क्या क्या बताना है मुझे ये बोलो, स्टार्टिंग से बोलते जाओ, पेज वन से। वो भी तुम्हें कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। गैसेस डेट के लिए यार आज खत्म करें अपन। हाँ मैंने भेज दिया है, वो थियोरी नोट्स है उसमें। मेरे को सेकंड पेज से समझ, सेकंड नहीं थर्ड पेज से समझ नहीं आया। पेज नंबर 3 थियोरी नोट्स। हाँ बोलो। ये थ्री रूट्स इक्वेशन क्या है? लेकिन थ्री रूट्स इक्वेशन ये जो क्रिटिकल कंडीशंस की बात कर रही हो? हाँ तो मतलब क्यूबिक वैंडरवाल इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन नहीं है क्या? वैंडरवाल इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ना वॉल्यूम के टर्म्स में। हाँ, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट्स होंगे। हाँ, तो क्रिटिकल केस में भी तीन रूट्स ही होंगे। तो वो तीन रूट्स लेकर के सारे जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करके पीसी वीसी टीसी की वैल्यूज निकाली हुई हैं। तो तीनों वीसी पर कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब? तीनों वीसी पर कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब वो तो ग्राफ से देखो ना, ऊपर पेज नंबर 2 पे जो ग्राफ है वो देखो, पॉइंट वाई है ना क्रिटिकल कंडीशन। हाँ, हाँ, तो उस पे सारे रूट्स कोइंसाइड निकल जाते, ग्राफ बिकम्स अ पॉइंट। हाँ अच्छा, राइट। एक सेकंड, वही तो उसने बोला है ना बेसिकली, वहां से देखो ना कि v इज इक्वल टू bc। हाँ v इक्वल bc एट y। हाँ तो इसीलिए तो उसने बोला ऑल थ्री रूट्स ऑफ वॉल्यूम कोइंसाइड एट v इज इक्वल टू bc, क्योंकि एक ही वैल्यू है वॉल्यूम की। तो बस v माइनस bc होल क्यूब इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, कंपेयरिंग इट टू मोनो। अच्छा फिर ये सम और सम ऑफ रूट्स एंड वो सब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? एक मिनट रुको। पेज 3 कंपेयरिंग इट विद वंडर वॉल्स। पेज 3 कंपेयरिंग इट विद वंडर वॉल्स। सर एक बार वो सेंड कर सकता है? वो भी से बोलो ना सेंड कर देगी ना, थ्योरी नोट्स है ना, सेंड किए तो हुए ऑलरेडी। मिल नहीं रहा है, वो भी भेज दो ना उसको। हाँ भेज। नहीं अब ये सम ऑफ रूट्स का क्या करना है मुझे? ये नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही लिखा है ना, वो जो इक्वेशन बनेगा क्यूबिक उसका सम ऑफ रूट बीसी प्लस वीसी प्लस वीसी होगा, 3bc इक्वल जो भी है। नहीं अब इशू क्या है, इशू बोलो, कौन सी लाइन में इशू है तुम्हें? मतलब इन्होंने जो कंपेयरिंग इट विद वंडर वॉल्स इक्वेशन 3bc इक्वल्स ये, 3bc स्क्वायर इक्वल्स ये, bc क्यूब इक्वल्स ये, ये इन्होंने उस वंडरवॉल इक्वेशन में से रूट्स का मैनिपुलेशन करके ही लिखा है। नहीं क्लियरली लिखा हुआ है कंपेयरिंग इट विद वंडरवॉल कोएफिशिएंट कंपेयर किए हैं वंडरवॉल इक्वेशन। हाँ बोलो, कोएफिशिएंट कंपेयर किए? अच्छा अच्छा ठीक है, दो इक्वेशन सेम होती हैं तो कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं ना अपन लोग, वो किया हुआ है। अच्छा स्क्वायर का, क्यूब का और सिंगल पावर का। अच्छा और सर आप एक बार वो वेरिएबल इक्वेशन बता दें।
मैं काम करता हूँ, उसका भी पहले एक राइटअप है वो भेज देता हूँ, ताकि वो सामने रहेगा ना तो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। वो आज के लेक्चर के एंड में ही अभी मैं भेज दूंगा। वो मेरी एक फाइल में है बेसिकली, उसको मेरे को स्कैन करके भेजना पड़ेगा, मतलब वो टाइप नहीं है, तो पूरा रहेगा आप लोगों के पास। पहले जितने भी राइटअप्स मैंने भेजे हैं पहले वो पूरा देख लेते हैं अभी। और सर एक वो मीन ट्री पाथ का कैसे निकालते हैं, मीन ट्री पाथ का सॉल्व किया हुआ है इसमें एंड में, नहीं कहा इसी राइटअप में सॉल्व किया हुआ होगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड मीन फ्री पाथ, देखो ना लास्ट में। अरे हाँ है तो दोनों चीजें हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन मीन फ्री पाथ सब कुछ है। वेरियल इक्वेशन का वो छोटा सा जो राइटअप है उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ दिया हुआ है। मेरा लेक्चर है संडे टू संडे रखेंगे तो और कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि संडे को मैं भी फ्री होता हूँ, आप लोगों की भी छुट्टी होती है। ऐसा, लेकिन अगर बीच में जैसे डाउट्स वगैरह होते हैं तो? डाउट्स पूछ सकते हो, वो अलग चीज है, वो तो मैं शाम को कभी भी अवेलेबल रहता ही हूँ, डाउट तो कभी भी पूछ लो। ये इसमें मीन ट्री पाथ में भी एवरेज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में यू जो लिखा है वो यू क्या है? U बार, एक मिनट, U बार अपॉन Z1, U बार तो एवरेज वेलोसिटी होती है। और फिर Z1 नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, तो Z1 तो इसके अरे हम ऐसे निकाल नहीं सकते ना, तो एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग, मीन फ्री पाथ पे डायरेक्ट थोड़ी चली जाओगी, इसके ऊपर वाली स्टोरी पढ़नी पड़ेगी ना, मॉलिक्यूलर कोलिजन से ना गैस, इसके जस्ट ऊपर देखो बहुत सारी कहानी है मॉलिक्यूलर कोलिजन से रिलेटेड, अच्छा ठीक है पूरा कोलिजन का ही तो मैं दिया हुआ है, कनेक्टेड है एक्चुअली वो। ठीक है फिर मैं पढ़ लेती हूँ हाँ, अगर वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तुम लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं, अरे सही गुड। अरे पक्का समझ में नहीं आया तो मैं नहीं। अरे तो ऐसे छोटी मोटी चीजें अगर कभी भी होती है तो ये तो मेरे से डेली पूछते रहा करो। चलो क्या कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना और बताओ इस राइटअप में और क्या नहीं समझ में आया। हाँ पढ़े एक सेकेंड एक सेकेंड मैं